आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ। ज वेलकम सो द क्वेश्चन इज कॉन्फार्मर्स आर इनएक्टिव इन एडवर्स कंडीशन ड्यू टू ए इनेबिलिटी टू मूव बी इन एबिलिटी टू डाइजेस्ट प्रॉपर्ली सी इन एबिलिटी टू मेंटेन होम्योस्टाइसिस डी एबिलिटी टू मेंटेन होम्योस्टासिस सो गाइज यहाँ पे हमसे बोला जा रहा है कि जो कॉन्फार्मर्स होते हैं वो इनएक्टिव रहते हैं एडवर्स कंडीशन में क्योंकि सो so गाइज अगर हम बात करें कॉन्फार्मर्स की तो मेजोरिटी दैट मीन्स नाइनटी नाइन परसेंट ऑफ एनिमल्स प्लांट्स जो रहते हैं वो हमारे कॉन्फॉर्मर्स रहते हैं मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि एक कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन नहीं कर सकते मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका बॉडी टेम्परेचर जो होता है चेंजेस विद द एम्बियट टेम्परेचर और अगर हम बात करें एक्वेटिक एनिमल्स की तो उनका ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन जो रहता है बॉडी फ्लूइड्स का वो भी चेंज होता रहता है विद एम्बियट वाटर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ठीक है तो ऐसे ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म अपनी सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग उनकी कंडीशंस जो रहती हैं वो चेंज होती रहती हैं ठीक है तो स्पेसिफिकली अगर हम इसमें बात करेंगे इस थर्मोरेगुलेशन की ठीक है तो थर्मोरेगुलेशन मतलब एक कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना ठीक है तो बेसिकली क्या रहता है थर्मो रेगुलेशन एनर्जेटिकली बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस है ठीक है तो बेसिकली क्या होता है सारे ऑर्गेनिज्म उसको मेंटेन नहीं कर सकते राइट तो क्या रहता है गाइस ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं ऑर्गेनिजम्स अपनी एडवर्स कंडीशन से बचने के चक्कर में क्या करते हैं इन स्टेज में चले जाते हैं ठीक है ठीके? या फिर क्या करते हैं वो स्ट्रेसफुल जो एक्सटर्नल कंडीशन होती है वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रहती है ठीक है तो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं ऑल्टरनेटिव ढूंढते हैं उसके लिए ठीक है तो ऑल्टरनेटिव में क्या रहता है सबसे पहला आता है माइग्रेशन तो उस केस में क्या रहता है जो ऑर्गेनिजम रहता है वो क्या करता है वो टेम्परेली अपनी जो एडवर्स कंडीशन होती है उससे मूव करके किसी एक इन अच्छी सूटेबल इन्वामेंट में चला जाता है कि जब स्ट्रेसफुल कंडीशन वापस खत्म हो जाएगी तो ऑर्गेनिज्म हो जाएगा ठीक है तो इसकी अगर हम बात करें एवरी विंटर द फेमस नेशनल पार्क इन भरतपुर राजस्थान हो थाउजेंड्स ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स कमिंग फ्रॉम साइबेरिया एंड अदर एक्सट्रीमली कोल्ड नदरन रीजन्स ठीक है तो ये होता है हमारा माइग्रेशन और अगर हम बात करें सस्पेंड की तो बेसिकली क्या रहता है बैक्टीरिया फंजाई एंड लोअर प्लांट्स जो रहते हैं वो क्या करते हैं दे फॉर्म वेरियस काइंड ऑफ थिक वर्ल्ड स्पोर्स ठीक है ठीक वर्ल्ड स्पोर्ट्स ठीक है जो कि उनको हेल्प करते हैं टू सर्वाइव अनफेवरेबल कंडीशंस ठीक है और क्या रहता है जैसे ही सूटेबल इन्वायरमेंट होता है वो जर्मिनेट कर जाते हैं ठीक है तो बेसिकली ये क्या है सस्पेंड सस्पेंड है बेसिकली एक इनएक्टिव स्टेज में जाना ठीक है तो बेसिकली और क्या रहता है कुछ ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं इफ़ दे आर अनएबल टू माइग्रेट तो क्या करते हैं वो स्ट्रेस कैसे अवॉइड करते हैं बाय एस्केपिंग द टाइम तो उस केस में क्या करते हैं वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं ड्यूरिंग विंटर्स ठीक है तो ये इट इज़ काइंड ऑफ एस्केपिंग टाइम ठीक है और बाकी क्या करते हैं सम जो आ, कुछ एनिमल्स होते हैं वेस्टिवेशन चले जाते हैं दैट मीन्स समर स्लीप तो समर को अवॉइड करते हैं ठीक है और अगर हम बात करें बल कंडीशन मेनी जू प्लैंगटोन स्पीशीज एंड लेक्स एंड पॉइंट आर नोन टू एंटर अ डायप तो डायपोस यहाँ पे क्या है अ स्टेज ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट ठीक है तो बेसिकली ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो इनएक्टिव स्टेज में क्यों आते हैं कॉन्फॉर्मर्स क्योंकि वो क्या करते हैं वो एक कॉन्स्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट दैट इज होम्योस्टैसिस को मेंटेन नहीं कर पाते ठीक है तो गाइस इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी कन्फर्मर्स आर इनएक्टिव इन एडवर्स कंडीशन ड्यू टू इनएबिलिटी टू मेंटेन सो द आंसर इज ऑप्शन सी थैंक यू ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जे मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा सकता आज डाउनलोड करें डाउट नेट आप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर